नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSC सिलेक्टर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चार क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग 30 सेकेंड्स में कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स में, 2 मिनट के अंदर इन चार क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन। इसमें एक कंडीशन दे दी है, यूनिट प्लेस की डिजिट 10 प्लस से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी मेड विद द डिजिट 078, जो कि 0 से बड़े हैं और मिलियन से कम है। तीसरा क्वेश्चन है कि 5 डिजिट नंबर को बनाना है 13579 से बिना रिपीटेशन के। इन सबका सम क्या होगा जितने भी नंबर बनेंगे। चौथा क्वेश्चन है कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं सारे लेटर्स ऑफ द वर्ड टेलर से, वोवेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। दोस्तों आइए देखिए इन क्वेश्चन को करने का फास्ट मेथड क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रिपीटेशन। यूनिट प्लेस ग्रेटर देन 10 प्लेस होना चाहिए। तो पहले 5 प्लेसेस बना ले, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है। यूनिट प्लेस 10 प्लेस से ज्यादा होनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी 2 डिजिट आप सिलेक्ट कर लीजिए। पहले नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 डिजिट इज 5C2। इन 2 डिजिट्स को हमने 10th प्लेस और यूनिट प्लेस पर रखना है। हमने मान लो सिलेक्ट किया 1 और 4 को। 1 और 4 में से बड़ा होगा 4, तो 4 को यहाँ रखेंगे, 1 को यहाँ रखेंगे। तो कोई भी जब आप 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे उसमें से ग्रेटर वाला यूनिट प्लेस पर और लेस वाला 10th प्लेस पर आ जाएगा। इसको अरेंज करने का केवल एक ही तरीका होगा। अब जो बाकी बचे हुए नंबर है 2, 3, 5, उनको हम लोग इन 3 प्लेस पर जब अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 3 वेज में अरेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 5C2। सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर्स आउट ऑफ द 5 जिनको टेंस और यूनिट प्लेस पर रखा जाएगा उनको अरेंज करने का एक मेथड, और बाकी बचे हुए 3 नंबर्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 3 वेज हुए। 5C2 की वैल्यू होगी 5 × 4, 1 × 2, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हुई, ये 10 × 6, 60। तो दोस्तों ये एक लॉजिकल अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, जिससे हम लोग क्वेश्चन आसानी से भी कर सकते हैं और इसमें कोई भी नंबर ऑफ केसेस रिपीट नहीं होंगे, ज्यादा काउंट नहीं होंगे ना कम काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ये कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 078 से, जो 0 और मिलियन के बीच में। दोस्तों 0 और मिलियन का मतलब होता है 10^6। इनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो या तो 1 डिजिट के नंबर होंगे, 1 डिजिट के नंबर होंगे, 2 डिजिट के नंबर होंगे, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट तक के नंबर होंगे। अब हमें इन सारे नंबर्स को काउंट करना है, तो अगर हम लोग इंडिविजुअली काउंट करते हैं 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो ये तो काफी लेंथी अप्रोच होगा। तो इसका एक शॉर्टकट होना चाहिए, इसका एक डायरेक्ट अप्रोच होना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। दोस्तों आइए ये सिखाता हूं मैं आपको लॉजिकल अप्रोच। पहले 6 प्लेसेस बना लीजिए। अब पहले प्लेस पर आप 0, 7 या 8 में से कुछ भी पुट कर दीजिए, 3 वेज में पुट कर सकते हैं। दूसरे प्लेस पर भी 0, 7, 8 3 वेज में पुट कर सकते हैं, तीसरे में भी, चौथे और पांचवे में भी और छठे में भी। तो हर प्लेस पर आप 0, 7, 8 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हर एक के लिए 3, और ईच प्लेस देर आर नंबर ऑफ वेज 3। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 × 3, 3 × 3, 729। अब इसमें दोस्तों सारे ही वैल्यूज काउंट हो चुके हैं, जैसे इसमें 0, 0, 0, 0, 0, 7 तो यूनिट डिजिट का नंबर भी आ गया, और 0, 0, 0, 0, 7, 0 लेते हैं तो 2 डिजिट नंबर भी इसमें बन जाता है। और अगर मैं इसमें 0, 0, 0, 0, 7, 0, 8 तो 3 डिजिट नंबर भी बन गया। तो सारे टाइप के नंबर्स इसमें बन चुके हैं, नंबर ऑफ है 729। लेकिन इसमें एक ऐसा भी नंबर बना है जिसमें सारे ही डिजिट 0 है, और हमें 0 से मिलियन के बीच में बनाना था, तो इस नंबर को डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि तो 0 है, -1 कर दिया जाता है, तो 728 नंबर ऑफ बेस बन। इस तरह से एक ही बार में हम लोग सारे नंबर ऑफ बेस काउंट कर लेंगे, यूनिट डिजिट, सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट नंबर, 0 से मिलियन के सारे नंबर इसमें बने। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 5 डिजिट नंबर बनाना है 13579 से बिना रिपीटेशन के, इनका सम क्या होगा। तो 13579 5
डिजिट नंबर बनाना हो तो पहला नंबर तो आप लोग ये बना सकते हैं, 5053579। इसमें नाइन को रखकर यूनिट प्लेस पर अगर हम लोग नाइन को यही रहने दें तो कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे फैक्टोरियल 4? 24 केसेस बना सकते हैं हम लोग। नाइन यूनिट डिजिट पर आएगा, ऐसे 24 नंबर्स बनने वाले हैं। इसी तरह से वन भी आएगा फोर फैक्टोरियल वेज में, बाकी सारे नंबर्स को अरेंज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट पर कोई भी नंबर लेते हैं, 1 ले 3 ले 5 7 या 9 ले, वो 24 ऐसे नंबर बनेंगे। 13579 से बनने वाले टोटल फैक्टोरियल 5 120 नंबर्स हैं। तो हर नंबर यूनिट प्लेस पर 24 टाइम्स आने वाला है, फैक्टोरियल 4 24 टाइम्स आने वाला है हर नंबर 13579। एंड द सेम इज अप्लीकेबल फॉर टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस। तो पहले हम लोग यूनिट प्लेस के सारे नंबर्स का सम देख लें। 124 टाइम्स आने वाला है, 3 भी 24 टाइम्स आने वाला है, 5 भी 24 टाइम्स आने वाला है, 7 भी 24 टाइम्स आने वाला है और 9 भी 24 टाइम्स आने वाला है। 24 को कॉमन ले लो तो 13579, और इनका सम किया जाए तो इट कम्स आउट टू बी 25 × 24 = 600। तो इन सारे नंबर्स पर यूनिट प्लेस पर 600 का सम बनेगा। आप समझ गए होंगे कि यूनिट प्लेस पर अगर 600 आ रहा है सम, तो टेंस प्लेस पर भी सेम अप्रोच अप्लाई होगा। टेंस प्लेस पर भी 124 टाइम्स, 324 टाइम्स, मगर उनकी प्लेस वैल्यू में एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो उनकी वैल्यू 600 × 10 6,000 आ जाएगा। 100 प्लेस पर भी 600 का सम आएगा और उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसमें 100 ऐड हो जाएगा। 1,000 प्लेस पर 1,000 उनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10,000 प्लेस पर उसमें 10,000 यानी 4 0 आ जाएगा। इन सब का जो सम बनेगा दैट विल बी 5 × 6 और 0 0। ये तो इसका लॉजिकल अप्रोच हुआ, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। आइए सीखिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है दोस्तों कि सम ऑफ द डिजिट्स निकालिए, जो भी डिजिट्स दे रखी है उनका सम, इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू 1111 5 टाइम्स 10 टाइम्स करना। ये फॉर्मूला है। सम ऑफ द डिजिट यहाँ पर 13579 है, n-1 फैक्टोरियल में 5 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और 1111 5 टाइम्स लिखना है। इनका सम 25 आया, 5 - 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24, 1111 इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 600 11111 और मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाता है 5 × 6 और 2 0 आंसर। दोस्तों आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेलर सच दैट वोवेल अपीयर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 6 लेटर वर्ड बनाना है हमें, जिसमें TALOR को यूज करना है। AIO इसके वोवेल है और इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, AIO अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन वो प्लेस कुछ भी हो सकती है, इन 6 में से कोई भी प्लेस पर ये लेटर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फास्टर मेथड, इसको हम लोग 6 प्लेस में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट करेंगे 6C3 वेज में। मान लो आपने ये 3 प्लेस सेलेक्ट की है तो इसमें ए आई और ओ एक ही तरीके से अरेंज किया जा सकता है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ओनली वन मेथड। और बचे हुए 3 प्लेसेस में TLR को हम लोग अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 वेज में। 6C3 की वैल्यू होगी 6 5 4 1 2 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 5 4 20 6 120। तो नंबर ऑफ वेज 120 हो जाएगा। दोस्तों इसका एक और अप्रोच है, टेलर्स में 6 लेटर्स है, इनसे बनने वाले टोटल वर्ड 6 फैक्टोरियल होते हैं। अब इसमें ए आई ओ जहां पर भी अपियर होंगे उनके नंबर ऑफ वेज होंगे आई ए ओ ए ओ आई, इस तरह से टोटल फैक्टोरियल 3 वेज में उसको अरेंज कर सकते हैं, मगर उनमें से केवल एक ही सही है, यानी उनके आपस के अरेंजमेंट को ब्रेक कर देना चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इज 720 / 6,
120. दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको चार ऐसे क्वेश्चंस बताए जिनको हम लॉजिकली जल्दी कर सकते हैं विद इन 30 सेकेंड्स. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया. हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.